क्या दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग ट्रेन में हमेशा सफ़र करते होंगे और सफ़र के दौरान आपकी नज़र कुछ इन सब चीज़ों पर पड़ती होगी। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो वीडियो को जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। एक ट्रेन में 24 कोचेज होते हैं और एक कोच की लंबाई 22 से 24 मीटर तक की होती है और एक कोच में 72 सीटें होती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस बोगी को कोच क्यों बोल रहा हूँ। असल में इसे बोगी नहीं, कोच ही कहा जाता है। और एक कोच में दो बोगी लगे होते हैं और दो बोगी में दो एक्सल लगे होते हैं। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इसे एक्सल कहा जाता है और एक एक्सल में दो पहिए लगे होते हैं। टोटली अगर देखा जाए तो एक कोच में दो बोगी लगे होते हैं और दो बोगी में चार एक्सल लगे होते हैं और चार एक्सल में आठ पहिए लगे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो का स्टार्ट और जानते हैं ट्रेन के बारे में कुछ स्पेशल अननोन एंड यूनिक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आपको पता है कि ट्रेन में जो बल्ब और पंखे चलते हैं वो हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल सकते, क्योंकि ट्रेन में जो बिजली सप्लाई होती है वह 110 वोल्ट डीसी होती है, जबकि हमारे घर में जो बिजली सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट डीसी होती है। और बिजली चले जाए हमारे घर में जो इन्वर्टर जनरेटर यूज करते हैं वह 5, 12 और 24 वोल्ट डीसी का हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है। इसी कारण जो ट्रेन के बल्ब में पंखे हमारे घर में सप्लाई होने वाले बिजली से नहीं चल सकते। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ट्रेन के बल्ब में पंखे जो काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रहे थे। इसी कारण रेलवे ने कुछ ऐसा सिस्टम ला दिया कि अगर कोई बंदा ट्रेन के बल्ब में पंखे चोरी भी करते हैं तो उसके कोई काम ना आ सके। नंबर टू, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं ट्रेन पर जो है नंबर लिखे होते हैं, इन नंबर का मतलब क्या है? चलिए फ्रेंड, जानते हैं इन नंबर का मतलब। तो ये नंबर जो होते हैं पाँच डिजिट के होते हैं और जिनमें से दो डिजिट जो होते हैं वो इनके साल को दर्शाते हैं, किस साल में बने हैं। लास्ट जो 3 डिजिट होते हैं वो इनकी कैटेगरी को दर्शाते हैं, ये किस कैटेगरी के कोच हैं। 0 से 200 नंबर के जो कोच होते हैं वो एसी कैटेगरी के कोच होते हैं। 200 से 400 नंबर के जो कोच होते हैं वो स्लीपर कैटेगरी के कोच होते हैं। 400 से 600 नंबर के जो कोच होते हैं वो जनरल कैटेगरी के कोच होते हैं। 600 से 700 नंबर के जो कोच होते हैं वो होते हैं चेयर कैटेगरी के कोच। 700 से 800 नंबर के जो कोच होते हैं वह होते हैं लगेज कैटेगरी के कोच। और 800 नंबर से ऊपर के जो कोच होते हैं वो जनरेटर कैटेगरी के कोच होते हैं। तो ट्रेन में सफ़र के दौरान आप ऐसे एल्युमिनियम बॉक्स तो ज़रूर देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि ये एल्युमिनियम बॉक्स ट्रेन के पटरी के बीच में क्यों लगे होते हैं? तो दोस्तों, इन बॉक्सों को एक्सल बॉक्स कहा जाता है। यह बॉक्स रेलवे ट्रैक पर हर 5 किलोमीटर पर होता है। बॉक्स से एक वायर ट्रैक से कनेक्ट होता है, जिससे यह पता कर लेता है कि ट्रेन में कितने एक्सल और उसका डायरेक्शन पता कर लेता है। अगर सब सही रहता है तो यह हर 5 किलोमीटर पर एक बॉक्स लगा रहता है, उस अगले को इन्फॉर्म कर देता है। चलिए फ्रेंड, आज 3 ही फैक्ट देखें। इसका पार्ट 2 वीडियो में आगे के फैक्ट देखेंगे।